हेलो गाइस, हे वी आर, दिस इज़ ट्राइंगल एबीसी और ये इसके तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री। आप बहुत यूज़ करते हो कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री, पर आपने ये कभी सोचा है कि ये तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री आता कहाँ से? तो भाइयों, वही मैं आपको बता रहा हूँ, आज ज़रा ध्यान से सुन लेना कि ये 180 डिग्री किस प्रकार हो है, ठीक है? अब देखिए, चलते हैं इस ट्राइंगल पर। यह ट्राइंगल एबीसी और हमने यहाँ से एक लाइन एक्स वाई ड्रॉ की पैरेलल टू बी सी। एक्स वाई बी सी के पैरेलल हमने ड्रॉ किया थ्रू ए। इसको एंगल वन ले लिया हमने, इसको एंगल टू ले लिया, और ये जो अंदर दिख रहा है ना आपको, यो है एंगल थ्री। तो भाई हम करेंगे क्या कि भाई हमने पता कि एक्स वाई इज़ पैरेलल टू बी सी बाई कंस्ट्रक्शन, तो भाई एंगल बी और एंगल वन इक्वल हो जाएंगे बिकॉज दे आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है? और बिल्कुल वैसे ही एक्स वाई इज़ पैरेलल टू बी सी अगेन, तो भाई एंगल सी और एंगल टू इक्वल हो जाएगा क्योंकि ये भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं, ठीक है? अब हम चलें आगे भाई। तो जब इन दोनों को आप ऐड करोगे तो यह एंगल बी प्लस एंगल सी बनेगा भाई, और इधर ऐड हो जाएगा एंगल वन प्लस एंगल टू। यहाँ तक करने के बाद अभी भी ट्राइंगल ए बी सी जब हम यूज़ करेंगे तो उसमें एंगल बी और एंगल सी तो आ गया, बट यो ए बच रहा, तो यो है एंगल थ्री हमारा। तो बैठे बैठे हम यो करेंगे कि इधर भी एंगल थ्री ऐड कर देंगे भाई, इधर भी एंगल थ्री ऐड कर देंगे। देखो ये मैंने करके दिखा दिया आपको, इधर भी थ्री और इधर भी थ्री ऐड किया। जैसे ही हम इसमें थ्री ऐड करेंगे तो ये तो भाई तीनों एंगल हो जाएंगे ट्राइंगल के, यो थ्री, यो बी और यो सी। तो देखो ये एंगल थ्री, ये एंगल बी और ये एंगल सी, ये हो गए ट्राइंगल के तीनों एंगल। और इधर जब आप थ्री ऐड करोगे तो भाई फिर क्या होएगा? तो भाई फिर ये होएगा, थोड़ा इधर झाँको फिर पता लगेगा क्या होगा। यो लाइन एक्स वाई, ये एंगल वन, ये थ्री और ये टू, ये हो गए 132। जब इन तीनों एंगल्स का आप सम करोगे, इन तीनों एंगल्स का सम, क्योंकि ये तीनों एंगल बन रहे हैं एक स्ट्रेट लाइन एक्स वाई पे, तो क्योंकि ये लाइन एक्स वाई के ऊपर तीनों एंगल बन रहे हैं इसलिए इन तीनों का सम करेंगे हम, तो ये हो जाएगा 180 के इक्वल। तो भाई इसलिए हम एंगल वन प्लस एंगल टू प्लस एंगल थ्री, इन तीनों एंगल्स का जो सम होगा 180 डिग्री, वो इन तीनों की जगह रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ आ गया एंगल थ्री, ये हो गया एंगल बी और ये हो गया एंगल सी, और इन तीनों का सम 180 डिग्री। देखो ये तो हो गए ट्राइंगल के तीनों एंगल, और ये इन तीनों एंगल्स का सम आया 180 डिग्री। सो गाइज, दिस इज़ हाउ द सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। दिस इज़ योर एंगल ए, दिस इज़ एंगल बी एंड दिस इज़ एंगल सी, एंड वी आर गेटिंग द सम ऑफ दिस थ्री एंगल्स एज 180 डिग्री। दिस इज़ योर एंगल सी, तो भाई इस प्रकार जो है किसी भी एक ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री हो गए। तो यूज़ करने के बाद आपको ये भी मालूम करना चाहिए कि भाई वो आवे किधर से, ठीक है भाई? तो अगली वीडियो में कुछ और मज़ेदार चीज़। टिल देन, गुड बाय गाइज़।